वेलकम बैक। आप ना ये बताएं, पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं। इब्राहिम पहले पॉलिटिशियन है जिनको आप मिल रही हैं? और आपकी पहली मुलाकात है इब्राहिम साहब से? बिल्कुल जी। वैसे आपको जहन में था कि ऐसे होते हैं पॉलिटिशियन? हाँ, इमरान खान साहब ऐसे हो सकते हैं, पॉलिटिशियन ऐसे हो सकते हैं। इमरान खान साहब ऐसे हो सकते हैं, वैसे राणा सनाउल्ला भी होते हैं पॉलिटिशियन। लेकिन ये तो प्यारे पॉलिटिशियन हैं। हाँ, ना तो मैंने प्यारे ही में बोला है। आपने प्यारे का लफ्ज तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। ये भी तो प्यारे ही हैं ना। अच्छा, प्यारे। अच्छा, इसी जी वैसे पूछे, इन्होंने बैक स्टेज में कहा था कि मैंने पीटीआई बड़े अच्छे स्टोरी है मेरी जो मैंने पीटीआई जिस तरफ फॉलो शुरू की है। अच्छा, बताएं हमें ना, आपने उनको बता दिया, हमें ही बताएं अब। नहीं, इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप किसको सपोर्ट करती हैं। मैंने कहा पीटीआई को। तो कहते क्यों? मैंने कहा उसके पीछे एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, तो मैं आपको वहाँ पे ही जाके बता दूंगी। अच्छा, तो बता दें। मैं बता दूं? जी जी बताइए। अच्छा, ये लाइव तो नहीं है ना? अंकल के घर बैठे हैं। मेरे सारे घर वाले नून लीग को सपोर्ट करते हैं, और मैं एक वाहिद बंदी हूँ जो पहले दिल से इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी, अब दिमाग से भी करती हूँ। आप अकलौती जो है, आप अपने घर में इमरान खान है और आपके तमाम घर वाले पीडीएम बने हुए हैं। और आप वोट कास्ट करती हैं, आई बिलीव? जी, मैंने पहला ही वोट दिया था और इमरान खान साहब। ओए होए सर, ये तो आपको सादी सपोर्ट भी मिल गई है। बस किस्मत है। खान साहब तो अपनी तरफ, मगर ये भी देखे, इतने यंग और गुड लुकिंग पॉलिटिशियन तो कम ही नजर आते हैं। में सभी यंग एंड ब्यूटीफुल। मैं आपको दो तीन बंदों का बताऊंगा, आपने उनको मिलना है। आपने मिलना भी नहीं, पहले गूगल करना है। अच्छा। ताकि ये तो मैं वैसे खत्म करूँ ना आपका। चलो, खुद पर्सपेक्टिव खत्म हो गया कि सारे यंग और गुड लुकिंग ही हैं। पीटीआई के अंदर भी नॉर्मल पाकिस्तानी पाए जाते हैं। हर बंदा इस तरह का हीरो लुकिंग नहीं है हमारे पास भाई। नहीं नहीं, ये तो देखें एक। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो अब अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ। इन लोगों ने और नून लीग वालों ने हमारा वो हाल किया कि आपको खुद को सपोर्ट करना मुश्किल हो गया। इन्होंने उसे एक बार इलेक्शन दिखला रहे थे, दूसरे तो तकरीर कर देना लोग कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं आपका ये काम कर दूंगा। ये तकरीर जी सिर्फ इन्ना कहते हैं प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल ये वाला हाल हो चुका है अब तो। जी, मैं सामने को वैसे अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यू यहाँ पे बता दिए। मेरे इस तरह सिंगर दोस्त है कुछ, तो वो अफिलिएशन नहीं शो करते कि हम किस पार्टी के साथ है, कि हमें मसले बजाते हैं। लेकिन मैं आमना से नाराज हूँ। मुझे क्यों नाराज है? इन्होंने शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ। यही पता करना था। क्यों नहीं कर रही आप शादी में, ये बताएं। इतने चॉकलेटी हुसन आपके सामने है। मैं काम करने आई हूँ, अभी शादी करने नहीं। तो ये शादी एक बड़ा जरूरी काम है। अभी शादी की उम्र नहीं आई। अच्छा जी। अच्छी, ये तो लोग मुझे भी कहते हैं अभी आपकी शादी की उम्र नहीं है। अभी काम की उम्र है। अच्छा, शादी की। तो वैसे क्या सोचा जिंदगी में, जब शादी की उम्र होगी तो कौन सा आइडिया होगा? नहीं, किस कैसा शख्स कैसा होना चाहिए? कोई पसंदीदा शख्स भी तो होता है ना। कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए और सामने बैठा होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। बेवकूफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दिखने में कैसा हो, जरा ये भी बता दो। दिखने की इतनी प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद इतनी अच्छी दिखती तो क्या प्रॉब्लम है। कैसर भाई, चलेंगे ना फिर शादी कर ले, फिर हम भी तमाशा देखेंगे। अच्छा चलो, ये तो हो गया। लेकिन मैं तो फैन हूँ, क्योंकि ये सबकी तो शादी शुदा ना जितने भी हैं। हाँ, इमरान तो भाई आपकी भी। शादी नहीं हुई? मेरी नहीं, मेरी सिर्फ बर्बादी हुई है। मुझे तो लग रहा था आप शादी शुदा है। नहीं नहीं जी, इनकी लुक पे ना जाइएगा, इस शक्ल से लगते हैं कि शादी शुदा है। शादी शुदा लग रहे हैं, शक्ल से ये लगते हैं कि शादी शुदा है, लेकिन है नहीं। शक्ल से ये लगते हैं कि ये गरीब है, लेकिन ये है नहीं। तो ये सब इनकी शक्ल पे प्लीज जज ना करिएगा इनको। क्या मेरे बारे में? मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, आपने इनको बाद में बताना? सारे पढ़ी लिखी कुड़ियों की ना ही होती है, ना होती है। और तुम ये जो है ना, हमेशा ये जो तुमके बाद में तमाशा लगेगा, ये शादी को बदनाम करना शुरू कर दो। आप इनको कोई बताएं जी, इब्राहिम साहब ये हमेशा एक अजीब सा प्रोपेगेंडा जारी रखता है। आपकी भी नहीं हुई? नहीं, मेरे तो, मैं तो एक बेटा भी है जी। अच्छा, मेरी नहीं भाई का माशाल्लाह। लेकिन आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज जी। अरेंज मैरिज में ठीक रहता है? वो कजन रहे थे तो वो कल जेलस हो रहे थे, क्योंकि शादी से पहले जब मेरा बैग होता था तो मैं खोलता तो सारे कपड़े इधर उधर, अब जब मैंने बैग खोला तो सब कुछ तय होता है। ये देखो, वो तो मैं फायदा बता रहे हैं, सिर्फ कपड़े, मतलब ये छोटी सी बात है। मतलब लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी आपकी, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी आपके। आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन शादी एक वाहिद काम ऐसा है कि एक्सपीरियंस बैड भी हो जाता है ना। अब एक्सपीरियंस करें ना, फिर पता चलेगा। इसका मंगनी का एक्सपीरियंस भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, अजय गल होती तो टूट जाता सारा कोई। आप लोग वो तमाशा ड्रामे के बारे में बार बार बात करें ना, वैसे एग्जांपल एक देना चाहता हूँ कि हम लोग देखें अपने नेबर कंट्री से सीखते जाते हैं ना, मीडिया के तौर पे या कुछ और के तौर पे, जैसे हमने ये शो कॉपी किया। हम लोग कुछ और क्यों उनसे सीख नहीं सीखते, इकोनॉमी वाइज क्यों नहीं सीखते? क्योंकि देखें, अगर आप हमारे दोनों नेबर्स को इस वक्त देखें, इंडिया और चाइना, चाइना और इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमीज बन रही है, जो ग्रो कर रही है इंटरनेशनली, जो जीडीपी जिनका ग्रो कर रहा है। इंडिया का पिछले साल 8.6% उनका जीडीपी ग्रोथ हुआ है,
तो हम उनसे ये भी सीखना चाहिए, मीडिया सिर्फ मीडिया की मूवीज है वगैरह नहीं, उनके उनके जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जो उनके तरीकेकार है, वो सीखना चाहिए. एग्जैक्टली, यू आर राइट. नॉट जस्ट इंडिया, बांग्लादेश जो पिछले 6 साल में जो लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, उनसे जिस तरह देखें, अभी इंडिया ने अभी 3-4 हफ्ते पहले अपनी इंडियन रुपीज इंटरनेशनल मार्केट में ले गए, और सबसे पहले जो उन्होंने ट्रेड शुरू किया वो रशिया के साथ शुरू किया. इधर हम पे सैंक्शंस देखते हैं, जब हम रशिया के साथ बात भी करते हैं उधर अमेरिका उनको कुछ नहीं कहती. तो एक किस्म से हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए और अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में लेना चाहिए, क्योंकि अपनी वैल्यू हम नहीं बनाएंगे तो और कोई तो हमारी वैल्यू नहीं लाके बनाएगा. ये तो बड़ा एक वो इब्राहिम एक लॉन्ग डिबेट है कि पहले तो आपको अपनी इंटेग्रिटी बनानी है, और इंटेग्रिटी बनाने के अंदर बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं. वो खैर एक और बिल्कुल एक और टाइप की बहस है जो कि क्यों ऐसा नहीं हो पाता. आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें खान साहब ने आपकी टोपी उतार दी थी, तो मुझे बताएं उस दौरान क्या बातें चल रही थी. असल में मेरी वो जैसी नहीं था वो, अगर आप वीडियो गौर से देखे तो उसमें मैंने कोई बात नहीं की है सच. उसमें मैंने सिर्फ मेरे हल्के के लोग नीचे खड़े तो उनको मैं सलाम करा था. अब ये बुरी बात है, उन्होंने मैं उनके मेरे साइड पे एक एमपीए खड़े थे अब्दुल सलाम अफरीदी साहब, वो असल में उनकी हाइट बहुत छोटी है, वो कॉन्स्टेंटली किसी से बात कर रहे थे, तो अब उनकी आवाज़ खान साहब तक जा रही थी क्योंकि मेरी हाइट ऊंची है, तो खान साहब को मेरा सर नज़र आ गया था. तो वो कोई बात नहीं, हमारी लीडर है जी, वो तो होते रहते हैं. तो बस उन्होंने तरीके से कि बात ना करो वो समझाया. इससे रिलेटेड एक फनी स्टोरी आपको बता दूँ, हमारी पाकिस्तान की साइकी इससे बता दूँ कि मैं उससे 2 दिन बाद जलसे में गया. पहले तो 2 दिन बड़ा डिप्रेशन सा अजीब सा हो गया था. एक तो जलसे में किसी ने मुझसे फोन भी चुरा लिया था, फिर याद सा हो गया, तो फेसबुक खुला तो वायरल ही वायरल. आपके जलसे में आपका ही फोन चुरा लिया जी? तो 2 दिन बाद जी जलसा था, तो मेरी बात मेरे दिल पे थी कि हादसा हुआ है, वीडियो वायरल हो गई है. तो मैं जलसे में उन्हें 5-6 मिनट बातें की, तरीकियात कामों पर, हालात पे वगैरह वगैरह, बस वो नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा था लोगों का. फिर एकदम से मैंने कहा कि अब मैं ज़रूरी टॉपिक पर आता हूँ. मेरी टोपी वाली वीडियो किस किसने देखी जी? आप यकीन करें वो वीडियो भी फेसबुक पे 100% रिस्पॉन्स क्राउड से आ गया. मैंने कहा अब मुझे बताएं कि किसने मेरी टोपी खरीदनी. वो बस शोर शुरू हो गया. मैंने कहा किस कौन चाहते कि इमरान खान उसके सर से टोपी उठाए? वो जी लोग पागल होना शुरू हो गए. ये हमारी जो साइकी है यहाँ पे, तो लोग ये अजीब से अप्रिशिएट भी करते हैं, डिप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज को. तो मैंने जब वो फिर तकरीर किया तो दिल से थोड़ा बोझ उतरा वो ना. वायरल बहुत हो गई थी वीडियो. हाँ, मगर वायरल बहुत हुई थी वो जो वीडियो, और वो एक अजीब को वैसे खान साहब से आपकी बात हुई उसके बारे में? जी जी जी, उन्होंने मेरी फिर टोपी साइन भी किया. अच्छा. उन्होंने कहा था कि आप बात कर रहे थे, खान साहब मैं नहीं बात कर रहा था. फिर उन्होंने माजरत भी किया, लेकिन खान साहब हमारी लीडर है जी, उनकी दिल जान भी कुर्बान. और वैसे ही खान साहब जब बात कर रहे होते हैं, वो चाहे आपकी टोपी हो या फिर फैसल जावेद के हाथों माइक हो, खान साहब को होता है कि बस अब दे दो मुझे माइक. और खान साहब कहते हैं मैंने छोड़ दियो, बस तबाही मचा दें, कोहराम मच जाएगा. एग्जैक्टली वही ना, वो एक खान साहब के अंदर एक वो है, एक जनून है, एग्रेसिव उस तरह है.